सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और भाई आज है मेरे साथ मामा जी है, पीछे से कमलेश है, पीछे से भाई है। और वो कहाँ गए? हाय, वो लोग पीछे है, वो अभी पीछे है। पीछे है। तो गाइस आज है हमारा लास्ट डे, वैसे गांव में लास्ट डे, मतलब जहाँ पे हमने घर घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए। अगर हम देवता के साथ आए तो हमें हर एक घर में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए, नहीं तो गांव वाले आके ले जाते हैं कि हाँ जी हमारे घर चलो, या फिर वो मतलब एक जगह ही सभी को खाना खिलाते हैं। बट अगर वैसा पॉसिबल ना हो तो हमें हर एक घर में जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। और आज हमारा वो लास्ट डे है कि हम लोगों के घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और उसके बाद जो होगा स्पेशली एक जैसे मतलब रखी होती है, जात्र बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, वो रखी होती है, उसके लिए बुलाया जा रहा है देवता को बल। तो फिर उसके बाद मतलब वो स्पेसिफिक वो नहीं होगा कि हमें जाना पड़ेगा कहीं पे, बट आज लास्ट डे है तो आज हम जा रहे हैं नहा धो के अच्छे से। अब जाएंगे वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद देवता निकलेगा यहाँ से 12-1 बजे निकलेगा यहाँ से बल के लिए। यहाँ से यहाँ हम है कलंगेड़ में भी, तो यहाँ से जाएंगे बाय थोक होके और तब पहुँचेंगे वहाँ पे। तो आज का डे है भाई थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, जो मतलब पहले और सेकंड और थर्ड डे में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया था ना, उतना ही डिस्टेंस आज है। मतलब आज हमें 2 से 3 घंटे चलना पड़ेगा, 3 घंटे भी चलना पड़ सकता है, ज़्यादा भी चलना पड़ सकता है। तो आज रहो आप बने इस ब्लॉग में, और आपको थोड़े सिनेमेटिक शॉट भी दिखाते हैं। और वैसे देवता का आपने जो देवता नाचता है वो तो आपने देख लिया, अब कुछ थोड़ा और अलग दिखाते हैं आपको, जो अंदर की बात है वो भी बताएंगे, बट वो बताएंगे लास्ट ब्लॉग में। उसके लिए करना स्टे ट्यून और कीप वॉचिंग। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं कथोग। यहाँ से अब नीचे को उतरना है यार, बोलते हैं कि जहाँ से डैम बना है, मतलब पावर प्रोजेक्ट जहाँ से बना है वहां पे जाना है, जहाँ पे मतलब वो पानी का डैम जो बना है फर्स्टली वहां पे जाना है। और उसके बाद पाइप के थ्रू, जैसे जहाँ से मतलब पाइप बिछी है और जहाँ पे पावर प्लांट है वहां तक जाना है, डैम से लेकर पावर प्लांट तक जाना है हमने आज। तो पता नहीं यार, यहाँ से पहले तो नीचे को उतरेंगे और आफ्टर देन फिर जाएंगे हम परे की तरफ। हेलो, कैसे हैं गाइस? हम लोग इंदर भाई के साथ मिल चुके हैं, ये हमारे कथोग में आ गए हैं गाइस। ये पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, हम तो अपने काम पे लगे थे, आसमान से टपके और खजूर में अटके खजूर में तो नहीं, सड़क पे ही अटका है अभी तो। अटके अटके पर कहीं भी कहाँ जा रहा है, बस चले बल तक। Thank you.
छुट गया भाई डैम। ओ भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं पानी को छोड़ दिया गया है। मेरा तेरा नगारा जी आ रहा है। वहाँ से देखो, वो जो है छोटा सा ना, वहाँ से उन स्टेप से आए हम लोग। बाकी की तो जो जिनकी फट गई, मतलब वो तो वापिस चले गए। अब एक भाई और आ रहा है, इसकी फट गई है, इसकी फट गई है। देखो बोलो, ये कर रहा है वो, ये मत तो कर जा रही है भाई, गिरना मत, ठीक है, आराम से आराम। देखो गाइस, सबसे पहले पहुंचा मैं, उसके बाद पहुंचे और अब आ रहा है भाई, आ रहा है क्योंकि नीचे सर ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो अब देखो ऊपर से यार कुछ छे के बंदे जो है ना, वो देखो नीचे से आ रहे हैं घूम के, देखो बेचारे वो लास्ट में देखो वहां पे, शायद आपको कैमरा में दिख रहे होंगे, ये देखो ये आ रहे हैं, मछली की तरह दिख रहे हैं दो बंदर। और ये भाई भी फाइनली पहुंच गए हैं। हेलो बोलो, हेलो। तो हम तीन लोग वहां से आए और बाकी पहुंच गए हम लोग, और बाकी ये आ रहे देखो वहां से, बहुत पहाड़ से गुजर होके आना पड़ा। तो ये दो बंदे आ रहे हैं वहां से, और अब दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा बैक कैमरा से यार कि हाँ कितना, वैसे ज्यादा लॉन्ग तो नहीं है बट फिर भी पावर प्रोजेक्ट है तो इसको थोड़ा सा बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ। तो ये बंदे देखो, ये गए थे वहां से घूमते हो भाई, आप लोगों को यहाँ से आने को क्या हुआ था? डर लग रहा था भाई। हाँ यार, एक्टर फट गई थी आप लोगों की, बोलो फट गई थी दोनों। और वहां से दो इनकी फट गई, वैसे यार मतलब ज्यादा गहरा तो नहीं बोल सकते कि हाँ इतने हाइट भी नहीं है और ना ही ज्यादा गहरा ही है, बट फिर भी है तो डैम ही। वो जो ऊपर से मार रहे थे ना पहाड़ों से, जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि यार नहीं हमने वहां नीचे जाना है, तो ये था वो डैम, यहाँ पे हम पहुंचे। अभी हमने जहाँ पे बिजली बनती है, मतलब यहाँ से तो पानी ले जाया जा रहा है ओनली, जहाँ पे बिजली बनती है वहां पे भी जाना है, अराउंड 4 से 5 किलोमीटर होगा आई थिंक, है ना?
4-5 किलोमीटर है यहाँ से, और वहाँ को जाना हमने 1 घंटे के आसपास टाइम लगेगा। अभी चलेंगे, अभी तो यार अभी टाइम अगर मैं बताऊँ तो टाइम हो रहा है 4 बज रहे, मतलब 1 घंटा ऊपर से मैं नीचे पहुँचने के लिए लग गया। बट अब यहाँ पे रुकने आधा घंटा, यहाँ पे कुछ बना रहे होंगे प्रसाद वगैरह, वो खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बल जहाँ पे मेन प्रोजेक्ट जो है वहाँ तक। तो आप बने रहो वीडियो में और हम आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट सो की वॉचिंग एंड की। चलो जी चलो जी, ये देखो हमारे दाढ़ी बंदे भागते हुए डैम से भागते हुए। यहाँ देखो ये डैम स्मगलर बंदे, डैम की स्मगलरी करते हुए, यहाँ देखो ये गया एक बंदा। चलो भाई चलो जाने वाले, चलो फाइनली पहुंच गए हैं पावर प्रोजेक्ट के पास। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो यार अभी पहुंचे हैं पावर प्रोजेक्ट के पास, यहाँ पे आपको थोड़े से शॉट दिखाते हैं यहाँ के। और अभी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज का जो सफर था अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास तो था, कि 15 किलोमीटर तो हमारे चले होंगे, 10 से 15 के बीच में था, मतलब 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि हाँ कितना है, क्योंकि अब आप तो रहे थे कि काउंट नहीं कर रहे थे कि हाँ जी इतना है, बस मतलब इतना है कि 10 से 15 किलोमीटर के बीच में हमने आज जो है हम चले हैं, मतलब जो सफर तय किया हमने वो है 10 से 15 किलोमीटर का। और आज बहुत ज़्यादा थक गए, जितने हम पहले थके थे, पहले फर्स्ट और सेकंड डे में जितने हम थके थे उतने हम आज थके हैं। अभी आपको थोड़ा सा बैक से दिखाते हैं कि यहाँ पे मतलब जो बार बार से आपको दिखा सकते हैं, अगर यार पॉसिबल होगा ना कि अंदर कैसे तैयार की जाती है मतलब बिजली, तो हम वहाँ जाने की भी ट्राई करेंगे। अगर ये परमिशन देंगे तो हम आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे कि भाई बिजली कैसे बनती है, वो भी हम अगर परमिशन देंगे तो। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि भाई ने प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मतलब एक बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ यार अगर पॉसिबिलिटी हुई अंदर जाने दिए इन लोगों ने कि हाँ जी जाओ देखो कैसे बनती है बिजली, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में नहीं। आज का ब्लॉग तो यार बस थोड़े से मैं शॉर्ट डालता हूँ और उसके बाद आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मैं थक भी बहुत चुका हूँ और अभी हमने रेस्ट भी करना है। तो आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम यहीं पे ख़त्म, और कल के लिए जो मतलब कल का जो अंदर का जो दिखाऊंगा उसको देखने के लिए आप कल के लिए कल के ब्लॉग का वेट करो। गाइज ये है नज़ारा पावर प्रोजेक्ट के रात का, अभी रात है तो ये नज़ारा है रात का। गाइज आज रुके हम देवता के पास, तो यार मतलब यहाँ का जो मॉल रहता है ना देवता के पास का, वो कुछ उसका लेबल अलग रहता है। यहाँ पे कुछ एक बंदे पड़े हैं गेम खेलने हैं, और कुछ एक वहाँ देखो कैसे सोने की तैयारी चली है, और यहाँ पे भी ऐसे ही चली है यार ना। अरे भाई यहाँ पर बिस्तर नहीं हो रहे सोने को, जैसे गैस यहाँ पे अगर यार एक छोटी सी बात मैं याद करूँ अपने कॉलेज के टाइम की ना, तो मतलब हम ऐसे ही मतलब ऐसे और ऐसे करके कॉलेज में कभी सोया करते थे रात को, मतलब जब हमने 3 से 4 बेड इकट्ठा लगाए होते थे। अगर यार कुछ एक मतलब जैसे शुभम ने भी मेरे को कॉल की थी, अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना यार कि मतलब वो कॉलेज के दिन याद आ गए। अगर आप लोगों को भी वो दिन याद आ रहा है कि जब हम साथ में मतलब 4-4 बेडों को इकट्ठा करके 8-8 सोया करते थे, अगर वो दिन आप लोगों को याद आ रहे तो कमेंट जरूर करना है, और मतलब वो कॉलेज के दिन याद जरूर करना है। और अभी चलिए हमारी मस्ती है, और मतलब यहाँ पे एक लड़का है इसको सोने की पड़ी है बेचारे को, और इसको देखो आप इसको गेम खेलने की पड़ी है, इसको सोने से मतलब ही नहीं है। मतलब यहाँ कुछ एक बंदे बोल रहे भाई मैं भाई बुरी हालतों के देख सकते हैं आप यहाँ गाड़ी इसको इसको गाड़ी में मतलब इधर इधर भी गद्दा है उधर भी गद्दा है, बीट बीच में जो है ना वो एक गली है छोटी सी, और इसको वहां पे घुस के सोना पड़ रहा है। तो बेचारे को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, अभी रात पता नहीं कैसे काटेगा वो, तो अब सुबह ही लगेगा पता किस पीठ में पीठ के किस किस कोने में दर्द होगी। तो यार मस्ती है चालू है, और आप देखते रहो ब्लॉग और हम करते हैं मस्ती, हम और बाकी बातें करते हैं मॉर्निंग में। बाय बाय।